विद्यार्थियों के कल्याण विधेयक कानून प्रति के हैं जिसमें 7 प्रत्याशी नकल पर चुके और 170 प्रत्याशी मतपत के अभाव में परीक्षा अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए तथा 4 परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम जांच सुविधा कर दिया है। इसके बाद अतिरिक्त 6 परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। आज 10वीं के और 12वीं के जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं बच्चों को जो उत्तीर्ण हुए हैं 10वीं और 12वीं में उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और विशेष शुभकामनाएं और आगे भी जो उनके जो परीक्षा होंगे उसमें भी सफल हो उनकी भी शुभकामनाएं। कोरोना काल में बच्चे ने मेहनत किए उनका परिणाम अच्छा रहा और बेहतर जो अपेक्षा जो आने चाहिए थे रिजल्ट वही रिजल्ट आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए यहाँ पर दिखाया गया है। तो आज तो बच्चों के लिए खुशी का दिन है कि बच्चे जो मेहनत किए हैं वो सफल हुए हैं मेरिट पे भी आए हैं बहुत से बच्चे उसमें मेरिट में भी आए हैं। 10वीं में लगभग 22 12वीं में 22 बच्चे मेरिट में आए हैं उसमें 13 छात्राएं हैं और 9 छात्र हैं और 10वीं में 71 मेरिट में आए हैं उसमें 52 छात्राएं हैं और 19 छात्र। तो एक कुल देखा जाए तो ये जिस ढंग से जो कोरोना काल के बावजूद जो मेहनत किए हैं बच्चे उनका रिजल्ट उनके अनुरूप आया है ओके भैया और काफ़ी सराहनीय है रिजल्ट अच्छा आया और काफ़ी सराहनीय है।